तो हमारे साथ हैं यशपाल जी, जो कि मुजफ्फरनगर के बैगराजपुर के रहने वाले हैं। यशपाल जी, क्या उम्र है आपकी? मेरी 67 साल उम्र है जी। यशपाल जी, आप कुछ देर पहले इस देश की मीडिया के बारे में कुछ कह रहे थे, क्या सोचते हैं आप मीडिया के बारे में? मीडिया पैसे लेके काम कर रही सारा। पैसे लेके काम करती है, आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है, आरटीआई का एक सवाल है, दैनिक जागरण का मेरे पास कटिंग है, कितने पैसे सरकार ने दिए हैं मीडिया को। अच्छा, मीडिया क्या आम लोगों के मुद्दे उठाती है कभी? हाँ, उठाती है। लेकिन लोग सुनते ही नहीं। फैक्ट्री वाले बैगराजपुर के जो इंडस्ट्रीज एरिया है और इसमें से जो केमिकल निकल रहा है, आपने भी दो फेरी आ ली है बैगराजपुर में और आपने हमारा मुद्दा उठाया भी। क्या सरकार ने सुना? केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों में से कोई नहीं सुना। यशपाल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बेवजह मीडिया उठाता है? कुछ देर पहले आप ये कह रहे थे। जी हाँ, कह रहा था। क्यों? क्या आपको क्या लगता है, क्या वजह, मीडिया क्यों उठाता है? मीडिया तो ये नहीं देख पाता कि मुसलमान है या हिंदू है, केवल उन लोगों से पूछता है जो युवा छोटे हैं और हिंदू को देख लेता है, वो किसे वोट देगा? उसी का सशक्तिकरण करते हैं। यानी कि आपको लगता है कि मीडिया पूरी तरह से नतमस्तक है और धार्मिक तौर पर उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहा है? जी हाँ, कर रहा है। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ, जी हाँ, कर रहा है। बाकी बहुत पते की बात बताइए, और जिस तरह की पत्रकारिता में विश्वास भी है न्यूज क्लिक का और हमारा भी, हमारा तो कि आप, विश्वास इन लोगों में उठ गया आपका। तो क्या करना चाहिए ऐसी मीडिया के साथ, आपको क्या लगता है? बॉयकॉट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बॉयकॉट क्यों करे जी, मीडिया है देश की, कुछ तो खबर दे देती है, सही, कुछ तो पता चलता है कि देश में क्या हो रहा है। सही बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया यशपाल जी, और देखिए जब तक यशपाल जी जैसे बुजुर्ग हैं, युवा उससे कहीं ना कहीं प्रेरणा पाएगा, और बहुत अच्छी बात है कि गांव में इस तरह की जागरूकता है। बहुत बहुत शुक्रिया यशपाल जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नमस्कार सर।